Indeed. मुझे छोटी वाली पसंद है। सबका वॉल्यूम ऊंचा कर दे, बिल्ट इन एम्पलीफायर वाला गोदरेज डीवीडी प्लेयर। आई लव यू लायर। हे भगवान, क्या बना रहे हैं भाई इंडस्ट्री वाले। इस एड इंडस्ट्री को पता नहीं कौन कहां लेके जाएगा, बट ये देखो कि इस एड मेकर ने क्या ही उसने नशा किया होगा जो ये एड निकल के बाहर आई। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है भाई। अच्छा, तुझे बोलने का मौका चाहिए, चल बोल। आचार खत्म। ओ माय गॉड, ये देखो वो बेचारे इसरो और नासा वाले अपनी ऐसी सही करा रहे हैं रात दिन, जहां पे वो मेहनत करके रॉकेट बनाते हैं और स्पेस में भेजते हैं। बट इस भाई का क्या हुआ, आचार खत्म। इस बेचारे का क्या होगा, वो भी स्पेस में। ओ माय गॉड, ये भाई साहब के तो रिएक्शन, ओह माय गॉड। ये एड का कॉन्सेप्ट जिस भी बंदे ने बनाया होगा ना, उसको पक्का खट्टा बहुत पसंद होगा। साले को और कुछ समझ नहीं आया, क्या पसंद आया, अचार खत्म, वो भी स्पेस में, जहां पे कोई लेना देना नहीं अचार का। और ये इस भाई के जो रिएक्शन है, ओह माय गॉड गॉड, ये तो भाई आउटस्टैंडिंग। इसको तो मैं भूल ही नहीं पा रहा, बार बार जब भी मेरे सामने आता है तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। इसको इतने तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे हुआ क्या। दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू, बड़ा हरामी हो बेटा। आपको क्या लगता है, ये किस चीज की एड है, ये अचार की एड है या किसी और चीज की, यही तो देखना है। आइए देखिए किस चीज की एड है। ये कहीं से भी आपको लगा था कि अचार की ऐड है या फैन की, अब आपको पता चला कि स्पेस में कैसे पहुंचना है। 5 फैन लगाओ तो सीधा स्पेस में उड़ते हुए चले जाओ विदाउट ऑक्सीजन। ये भी है ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि नीचे से सप्लाई हो रही है टोर्नेडो की तरफ से। अब यहां पे खुद देखिए कि कैसे हमारा बनाया गया, और मैं प्रोवोक ना हूं, कैसे प्रोवोक नहीं होऊंगा इसको देख के। मैं इतना फुदू काट रहे हैं लग साले, मतलब 15-20 और फैन लगा लिए जाएं तो सीधा मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। तो मतलब वो लोग पागल हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगा के अभी तक मंगल ग्रह पे पहुंच नहीं पा रहे, ये सालों ने स्पेस पे पहुंचा दिया, वो भी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ टोर्नेडो की तरफ। वाह यार, इस चुतियापे को देखने के बाद अब बिना बकचोदी के अगली एड पे चलते हैं। वहां बताना कि क्या अगली इससे भी बड़े वाली है या नहीं। हेलो रूबी जनरल स्टोर। हां यस मैडम। ओके, सेंड मी 7 किलो राइस, 3 किलो शुगर, 1 पैकेट बिस्किट, 2 शैम्पू बॉटल्स, 1 पैकेट साल्ट एंड केचप। Which ketchup? Same. Which ketchup, madam? Same, da. Ayo, which ketchup, madam? Hello? Madam? Hello, madam? आपको क्या लगता है किस चीज की ऐड है? क्या ये विक्स की ऐड है या किसी और दवाई की जो गले से रिलेटेड हो? चलिए देखते हैं ये किस चीज की ऐड है। Hello, madam, what is happening? Heinz. Heinz. Okay, and don't forget biscuit, eh? Okay, madam. Okay. Hey, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए कि इस तरीके से हाइंस कौन बोलता है, ऐसे कौन बोलता है भाई, कौन बोलता है ये, कौन है ये, रुक कहां से आते हैं ये। उसका पति भी आकर चला गया, कहता साली को मरने दो, कोई फायदा नहीं है। आगे आने वाली एड्स तो और भी लेवल की हैं, तो आइए वो देखते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, सल्यूट है जिस बंदे ने इस एड को बनाया। हेलो चले, हेलो चली महक
सिल्वर मेरा दिल भर। हेलो चलें। ये कौन है यार, ये कौन बना रहा है ये? कभी सोचा है उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन को जिस बंदे ने ये एड सजेस्ट की होगी मेकर्स को? उस बंदे को पक्का लड़की नहीं मिल रही होगी जिसे ये लग रहा है कि पान मसाला का पैकेट खोलते ही और मुंह में डालते ही एक विश्व सुंदरी टाइप लड़की उसके सामने आ जाएगी और उसे बोलेगी चलें। कहाँ चलें भाई, पान मसाला खाता है वो। पान मसाला खाने से लड़कियां नहीं बीमारियां आती हैं। ये तो टट्टी है। इस एड बनाने वाले को तो भाई बचपन में ध्यान नहीं दिया गया, मुझे लगता है तभी उसकी ये हालत है कि पान मसाला सोच के उसे लड़कियां याद आ रही हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस पान मसाला की एड को मैं और ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कुछ होने लग रहा है इसको देख के। तो अब मैं और ज्यादा प्रमोट ना होते हुए पार्ट वन यहीं खत्म करते हैं और पार्ट टू पे मैं अपना काम शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को एंटरटेन और कर पाऊं। और जिसने भी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है वो जाके चुपचाप से कर दो, ज्यादा बकचोदी नहीं चाहिए। तो अगले पार्ट टू का वेट करें और जाके लाइक कर दो, थोड़े से लाइक मिलेंगे तो मेरे को भी बनाने में मजा आएगा यार। और ऐसी स्टूपिडिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आके मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने रख दूंगा। तो बने रहिए, बाय, टेक केयर, शबक है, जय हिंद।